प्रधानमंत्री अमेरिका गए, हम भी चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में और अच्छा और मजबूत हों, अच्छे हों, और भारत अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए H1 जो हमारे वीज़ा है स्टूडेंट का, वो ज़्यादा रुका हुआ है, वो जल्दी हल हो। और वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं, तो अमेरिका के एक एक्स प्रेसिडेंट ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ओबामा ने, कि भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, वो भारत के हित में नहीं है, इससे भारत को नुकसान होगा। तो ये वो बराक ओबामा है जिसको हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने वो फेमस सूट पहना था जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, अपने हाथों से चाय पिलाई, और वो खुद आज ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में उनके प्रधानमंत्री के टेन्योर में पहली मर्तबा, जैसा आज हम खड़े होकर आपके सवालात का जवाब दे रहे, वैसा उन्होंने सवाल लिया। वरना उन अक्सर क्या करते, अपने पसंद के एंकर्स को बुला के इंटरव्यू दे देते, तो कोई उनसे पूछता आपको आम खाए पसंद है क्या, कोई बोलता उनसे आपके ने बटवा है क्या। तो उस सवाल जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से। तो हम भारत के प्रधानमंत्री अभी तो फॉरेन टूर पर है, उमन नहीं उस पर तबसरा करना चाहिए, मगर मैं कर रहा हूं, क्योंकि मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मणिपुर में पुलिस एकेडमी से 50,000 से ज्यादा एम्युनेशन गोलियां चोरी हो गई, 4,000 ज्यादा हथियार लूट के लेकर चले गए, वो डिस्क्रिमिनेशन है। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि CAA का कानून मोदी सरकार ने बनाया, सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन की निशानी यह है कि आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया। हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अब ना फेलोशिप कर पाएंगे ना PhD कर पाएंगे। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और गांव रक्षक जिसको चाहे पकड़ते हैं, जिसको चाहे मार देते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पर ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मगर जमीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल सबसे बड़ी है कि BJP के पास 300 MP है, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें आपके सामने रख रहा हूं मैं, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप लोगों से तो खुल के बात करें ना। ऐसा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर लें दिल्ली में, एक 50-60 जर्नलिस्ट को बुलाकर, तुमको जो पूछना है पूछो प्यारे, दिल खोल के पूछो, मैं आज जवाब दूंगा। विदेश में जाकर देते, यहां देने, भारत में देने से उनको इतना क्यों पिछड़ जाते हो?